से हमारे साथी पूर्व विधायक हमारे भाई श्री बलवान सिंह पुनिया जी, के बारे में मैं दो लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि जब इनका इलेक्शन चल रहा था और इंडिया गठबंधन को प्रॉपर तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया गया था और पुनिया जी भादरा से कैंडिडेट थे सीपीएम के, बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ा और इतना जबरदस्त चुनाव लड़ा, ये मात्र शायद मैं गलती बना तो 1000 के वोट के आसपास हार गए। इनकी हार का दुख शायद भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को नहीं हुआ होगा जितना इनका दुख जब इनका नतीजा आ रहा था। हमारे सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यार पुनिया को तो जिताना चाहिए था कि विधानसभा में मजबूत लीडरशिप नहीं जाएगी, मजबूत लोग नहीं जाएंगे तो जनता की आवाज नहीं बोलेगी। और इन्होंने लगातार 10-12 दिन, जबकि मैं तो बहुत व्यस्त था, मैं इनका इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि पहले नेता हैं जो बिना उम्मीदवार के जुटे रहे। और मुझे एक साथी कह रहा था, बोला जी बुनियादी के बिना भी चले जाते थे, बलवान सिंह पुनिया को बुनियादी की जरूरत नहीं, सारा इलाका जानता है, मालूम है कि जो बोलेंगे सही बोलेंगे और लोगों ने सुना। आज हमारे बीच में आए, मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारे साथी है आमवीर जी बिल्ला खेड़ा जी के बेटे हैं, इनके पिताजी ने इन्होंने बाय इलेक्शन में भी रबी बहुत काम किया है, फतेहाबाद से नेता है और मोटा खेड़ा गांव के भाई, क्योंकि 70% के 100% वैसे तो ईसाई सियादमपुर में इनका भी। हमारे साथी रणबीर शर्मा जी, अरे रणबीर ना निखिल, काड़ू कैदा से बोल समझेंगे, काड़ू पंडित जी, हमारे भाई प्रदीप बैनीवाल जी, चौधरी हंसराज जादूदा जी, हमारे साथी जो लंबे अरसे तक हम लोग बहुत पुराने परिचित हैं, भाई रमेश गोदारा जी, संदीप दिलोवाल जी, सुखबीर डूडी जी पूर्व चेयरमैन, शेख जी पुनिया, कृष्ण जी भाटी, भूपेंद्र कासनिया जी, सुरेश जी, बागेश नंबरदार जी, मांगेराम खिलेरी जी, बेटा बूढ़ा बहुत मजबूत आदमी है, वीरेंद्र सिंह जी भावरिया सदलपुर, सतपाल पुनिया जी, वीर सिंह दलाल जी, हमारे साथी जिन्होंने बहुत 2-3 काम करे, सतवीर जिंदल जी ने, इनकी टीम ने, बाबूलाल शर्मा जी, राजकुमार खीचड़ जी, कुलदीप सिंह सीवर जी, अमनदीप टांडी जी, राम प्रसाद गढ़वाल जी, सतबीर जी छिप्पा, और भाई और को रह गया हो तो मुझे माफ करना क्योंकि गणे नाम से मेरे तो जितने लिख के दिए मैंने बोल दिए, सुभाष नंबरदार जी पीछे नीचे से ऊपर से रुक भी भरे, और साथी जो बैठे हमारे साथ जितने भी मंच पे बैठे हैं हमारे सब सम्माननीय है, जो ये ठीक कह रहे थे पुनिया जी, मैं अकेली कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, मैं उम्मीदवार था इंडिया गठबंधन का, और इंडिया गठबंधन में सीपीएम सीपीआई दूसरे वामपंथी दलों ने और आम आदमी पार्टी के साथियों ने कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था बहुत बड़ा साथ दिया, मैं इन दलों का बहुत स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। साथियों पुनिया जी कह रहे थे कि 2 साल पहले अगर ये काम कर देते तो ना तो ऊंचे पजामे सिमाने पड़ते। मैं उस वक्त भी एक बात कहता था, चाहे मैं विपक्ष में बैठू, विपक्ष में अभी बैठूंगा, लेकिन उस विपक्ष में हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का नाम बड़े सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि जयप्रकाश ने किसान की मजदूर की व्यापारी की कर्मचारी की लड़ाई लड़ी। अब मुझे बताया साथियों ने, बोला जयप्रकाश जी क्या करें, बोला यहां तो जो
पानी के लिए पब्लिक हेल्थ में जावा, वो कहते हैं पीडब्ल्यूडी वाले पे जाओ, पीडब्ल्यूडी वालों के पास जाए, वो कहते हैं म्युनिसिपल कमेटी वालों के पास जाए, म्युनिसिपल कमेटी वालों के पास जाए वो कहते हैं कि मैं था पता नहीं। आज मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, जैसे कामरेड पुनिया जी कह रहे थे, हाँ दो दो एसडीओ के, तीन महीने रुको चार महीने, सारी दरखास्तों पर 100% अमल करवाऊंगा और ये पजामे का साइज फिर वही बनवा दूंगा जो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के टाइम में था। हम उन लोगों जैसे नहीं है जिन लोगों ने जिस तरीके से हमारे तीन पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल, एक एक करके तीनों को अपमानित करने का काम किया। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के विकास में उन सब लोगों का योगदान था, बड़ा भारी योगदान, और सबसे कम योगदान अगर किसी व्यक्ति का रहा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रहा, हमारे आदमपुर में एक नए पैसे का योगदान नहीं। रुपये ला दियो या कितने, सड़कों की जगह तो सड़क नहीं, सीवरेज की जगह सीवरेज नहीं, वाटर सप्लाई का पानी गंदा है, आरओ भी कितने दिन से पेंडिंग पड़ा है, और आदमपुर गांव कोड़ी से लेकर के खैरमपुर तक एक स्कीम बननी है, अब कितने दिन से वो चल रही है। मैं हर रोज सुनता हूं कि जब तक इसमें हम झरने में नीचे लगाएंगे, वो तो बहुत बड़ी आपत्ति पता नहीं शुरू करी कि नहीं करी उस वक्त, ये स्विट्जरलैंड में एक स्कीम थी स्विस में कि इसके नीचे झरने लग जाते हैं, जैसे कलायत दोस्त में स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैं एमपी था, दो जगह बनवाए थे, एक कलायत के अंदर एक कुहाना के अंदर, और दोनों 100% कामयाब रहे। वो इलाके में अब कोई वार्ड वार्ड नहीं है, वार्ड आ जाएगा तो 5-7 दिन में ऑटोमेटिकली पानी चला जाएगा, और जो वाटर लेवल ऊंचा है ये अपने आप नीचे चला जाएगा ताकि किसान अपनी खेती ठीक तरीके से कर सके। ना तो वो काम करवाया, ना शहर का काम करवाया, सड़क इतनी बढ़िया बना दी, सारे गाड़ियां के टायर फैट लिए, दो चुनाव हो गए 2 साल, मैं तो गाड़ी ये सूत नहीं आती, गाड़ी ठीक है चूड़ा डिग गया है, तो ये काम कैसे हो। एक जोटा तो मारे आपने बहुत तकड़ा, कम से कम नरेंद्र मोदी जी जो ये कहा करते थे चर्चों पर डिगैदरी ड्यूटी 225 में रुकी गया, 250 तो आइए को नहीं 235 में रुकी, ये झूठे बहुत है बीजेपी के लोग, और ये उसी दिन डरे थे जिस दिन देश में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, इस गठबंधन को क्या क्या सब किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। अरे लोगों शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के देश का गृह मंत्री इस गठबंधन को ठगिया गठबंधन फलाना गठबंधन। आज मैं इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी आप लोग भी उसी चक्कर में फंस गए थे जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, कहां हो 400 पार। मैं मनोहर लाल जी से पूछना चाहता हूं कहां 400 पार, 235 पर रुके ने ईब की बार, आप ये सोचिए हरियाणा प्रदेश में चुनाव आएगा जिस तरीके के नतीजे आए हैं, 46 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ ही जीते 46, ठीक है। और याद होगा 2019 में हम केवल 9 सीट पे जीते थे, कांग्रेस 1 पे जेजेपी जीती थी, 80 सीट पे बीजेपी जीती थी, बीजेपी रहेगी 40 पे और कांग्रेस 9 से चलेगी 31 पे। कौन सी के बड़ी भाई, कांग्रेस बड़ी ने। अब यही मैं बताता हूं वोट प्रतिशत, उसमें सबका योगदान है, सब दलों का, इंडिया गठबंधन का योगदान, यानी कि 33% बढ़ोतरी हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में हुई जो एक रिकॉर्ड है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी डाउन गई है हरियाणा में गई, लेकिन एक जयप्रकाश के अकेले के जिताने से मेरा तो काम चल गया, आप लोगों को भी हौसला हो गया, कम से कम लड़ना तो आ गया। ईवीएम साइज में पुनिया जी
इनके कदम में इनके चीफ जीप से शुरू करवा दूंगा। आज से ही लड़ाई शुरू कर दी मैंने। बात करेंगे हम ईआईसी से।